एक जगह है बिलीमोरा जो आता है गुजरात के नवसारी डिस्ट्रिक्ट में, दूसरी जगह है वगई जो आता है गुजरात के डंक रीजन में। देखिए अब जो गुजरात के बाहर से वीडियो देख रहे हैं उन्होंने शायद ये दो नाम कभी ना सुने हो, बट अगर आप इनको कंबाइन करोगे तो इकोनॉमिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इन्हीं दो लोकेशंस के बीच रन होती है एक नैरो गेज ट्रेन, डिस्टेंस है 65 किलोमीटर्स, टाइम लगेगा 3 से 3.5 घंटे और आपके लिए ढेर सारा इंफोटेनमेंट। शुरू करें? नहीं दोस्त, आपको स्टाइल पता तो है, कमॉन जल्दी से हेडफोन लगाइए, डिवाइस को फुल स्क्रीन कीजिए, और अगर हाँ अगर आप टीवी पर कास्ट करके देख रहे हो भाई फिर तो और मज़ा आने वाला है। और इसमें रिसेंटली अगर आप देखोगे इंट्रोड्यूस किया गया है AC टूरिस्ट कोच। शुरू करें? कमॉन मेरे साथ ट्रैवल कीजिए, मेरे साथ एक्सप्लोर कीजिए वर्चुअली, #incredible इंडिया। रेलवेज के नेटवर्क में कुछ ऐसी ट्रेन्स हैं जो सिर्फ कमर्शियल रन होती हैं, बट कुछ ट्रेन्स ऐसी हैं जो वहाँ के लोकल लोगों के लिए रन होती है, जैसे टॉय ट्रेन्स हो गई, निरल माथेरान हो गया, दार्जिलिंग टॉय ट्रेन हो गया, या मैं बात करूँ बिलीमोरा वघई ट्रेन जो वहाँ के लोकल लोगों के लिए है और यूज़ की जाती है बाय ट्राइबल पीपल, बाय स्टूडेंट्स, या मैं कहूँ इवन बाय फार्मर्स। तो बस आज हम इसी ट्रेन जर्नी की बात करने जा रहे हैं। तो मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज। देखिए बिकॉज ऑफ कोविड आप ये वाली ट्रेन देख रहे हैं, इसको कर दिया गया था बंद, अब फिर से ऑन पब्लिक डिमांड इंडियन रेलवेज, या मैं कहूँ वेस्टर्न रेलवेज ने इसको एक बार फिर से शुरू कर दिया। अगर आप ट्रेन देखोगे इन द वाइड लेंस बिल्कुल ऐसे खिलौने जैसी ये ट्रेन लगती है। तो आप ये देख लीजिए, दिस इज़ अनरिजर्व्ड कोच, इसकी आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर सकते, वन वे इसका कॉस्ट है अराउंड 40 रुपीज़, यहाँ पर बुकिंग काउंटर है, आपको वहाँ पर इजीली टिकट अवेलेबल हो जाएगी। पीछे लगा रखा है टूरिस्ट कोच जो है एग्जीक्यूटिव क्लास है, जिसमें आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, उसकी आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो, उसकी कॉस्ट है वन वे की अराउंड 560 रुपीज़। अब जल्दी से मैं आपको वहाँ लास्ट में जो हमारा टूरिस्ट कोच लगाया गया है आपको वहाँ लेके चल रहा हूँ, पूरा इंटीरियर भी आपको दिखाना है। एंड दोस्त आई एम एक्साइटेड, चाहे वो टॉय ट्रेन्स हो चाहे वो रेलवेज के ऐसे रूट्स हों, ये है #incredible इंडिया। पहले भी मैं आपको वीगो के बारे में बता चुका हूँ, वीगो एक ट्रैवल ऐप है जहाँ पर आप वर्ल्ड वाइड फ्लाइट्स, होटल्स एंड टिकट बुकिंग्स कर सकते हैं, ये है बेस्ट ट्रैवल ऐप बिकॉज ये कंपेयर करता है हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स और आपके सामने लेकर आता है एकदम चीपेस्ट फेयर्स। और अब वीगो आपके लिए लेकर आया है IRCTC की ट्रेन टिकट बुकिंग का ऑप्शन। अब जल्दी से मैं आपको इसके स्टेप्स बता दूँ, वीगो ऐप को ओपन कीजिए, ट्रेन आइकन पर क्लिक कीजिए और जो आपका अराइवल स्टेशन है, डिपार्चर स्टेशन है, उसको एंटर कीजिए विद द डेट ऑफ जर्नी और जो भी ट्रेन आपको पसंद आए उसको सेलेक्ट कीजिए। तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तुरंत वीगो ऐप को डाउनलोड कीजिए। और हाँ, अगर वीगो ऐप आपके पास ऑलरेडी है अपडेट ज़रूर कीजिएगा, आपको मिलेंगे नए एंड अमेजिंग फीचर्स। इंडियन रेलवेज हमारे लिए पैसेंजर्स के लिए इतनी अच्छी फैसिलिटी लेकर आई है, दिस इज़ टूरिस्ट AC टूरिस्ट कोच। अब आपको अगर इन केस अगर आप ये जर्नी प्लान कर रहे हो, अगर आप गुजरात घूमने आ रहे हो, आपको इंटीरियर तो दिखाना पड़ेगा ना, चलिए थोड़ी सी स्माइल के साथ अंदर चलते हैं, पूरी फैसिलिटीज़ क्या क्या इस टूरिस्ट कोच में मिलती है और मुझे आपको वो दिखाना। ये देखिएगा, ये इसकी पूरी एंट्री, यहाँ पर आप ये पूरा इंटीरियर देख सकते हो। हमारे साथ कुछ पैसेंजर्स हैं जो वलसाड से आए हैं इस जर्नी को एंजॉय करने के लिए, आप ये देख लीजिए, यहाँ पर टेबल का ऑप्शन दिया गया है ताकि आप टी कॉफ़ी जो भी एंजॉय करना चाहें, पूरा ये देख लीजिए फुल AC प्लस फैंस भी आपको दिए गए हैं, यहाँ पर ये देख लीजिए चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, लाइट्स का ऑप्शन, ये सब कुछ सब सुविधाएं हैं जी। टोटल पैसेंजर कैपेसिटी अगर आप देखोगे दिस इज 15 आपको मैं अंदर लेके चलूँ, आई एम श्योर अब आप सोच रहे होंगे और क्या क्या है,
इस गेट के पीछे थोड़ा मुझे आपको और दिखाना है। यहाँ पर ये देखिएगा, ये वॉशरूम थोड़ा दिया गया है। यहाँ पर कुछ भी अगर आप खाना वगैरह कुछ ऐसा तैयार करना चाहें, ये इस तरफ, और अगर आप इस तरफ देखोगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है वॉशरूम। ये देख लीजिए, तो एसी टूरिस्ट कोच में आपको वॉशरूम भी दिया गया है, पर याद रखिए अनरिजर्व कोच में आपके पास यहाँ पर वॉशरूम नहीं है। इंटीरियर आपने देख लिया, कलर्स देख लीजिए पूरा आपने देख लिया, और मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा भाई, द फर्स्ट इम्प्रेशन इज जस्ट अमेजिंग। आप देखिए छोटा छोटा सा टूरिस्ट कोच, एक जगह है विस्टा डूम और एक जगह है ये वाला टूरिस्ट कोच। क्या लगता है ना, ज़रा कमेंट करके अपना जवाब बताइएगा। हाँ, लोगों में इतना एक्साइटमेंट, लोगों में इतना उत्साह, कोई सेल्फी ले रहा है तो कोई यहाँ पर वीडियो ले रहा है, देख लीजिए। अब आपको मैं टाइमिंग्स और बता दूँ। सबसे पहले जान लीजिए इट रन्स एवरी डे बिलीमोरा से, जिसका स्टेशन कोड है BIM। यहाँ से ये निकलती है सुबह 10:20 और हम पहुँचेंगे वघई 1:20 के आसपास। वहाँ से चलती है इट इज़ 2:30 और आप बिलीमोरा आ जाएंगे 5:30 के आसपास। डिस्टेंस है 65 किलोमीटर्स और टाइम लगेगा 3 आवर्स दोनों तरफ से। और जैसा मैंने आपको बताया, एग्जीक्यूटिव कोच की आप बुकिंग ऑनलाइन कर सकते हो। अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा आगे की तरफ, बिकॉज आपको लोको भी दिखाना ज़रूरी है। और आप यहाँ देख सकते हो, ये है हमारी 09501 का डीजल लोको। बट क्या आप जानते हो, इस रूट की शुरुआत हुई थी 1913 में और 1937 तक, यानी कि 24 साल के लिए इस रूट पर यूज़ किया गया था स्टीम लोको। बाद में जिसको 1994 में चर्चगेट स्टेशन पर रखा गया एज अ डिस्प्ले, और अब इसमें यूज़ किया जा रहा है दिस डीजल लोको। आपको दिखा दिया, अगर आप वहाँ देखोगे दिस इज ZDM। चलिए आपके लिए छोटा सा होमवर्क, ZDM की अगर आपको फुल फॉर्म बताए ज़रा कमेंट करके अपना जवाब बताइएगा जरूर। और भाई ये जो नैरो गेज वाली ट्रेन है ना यार, ऐसा लगता है बिल्कुल खिलौना, मज़ा आएगा दोस्त। पहले आप ये टाइम देख लीजिए, इट इज़ 10:08 और जो ये ट्रेन है वो है 10:20 की। अब आई एम श्योर, अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं, आपके मन में ये सवाल होगा कि मैं बिलीमोरा जंक्शन पहुँचा कैसे, तो मैं आपको बता दूँ, मैं बोरीवली से लेकर आया हूँ ट्रेन 09011 मुंबई सेंट्रल टू अहमदाबाद सुपर फास्ट स्पेशल, वो मैं लेकर आया। मैं पहुंचा 9:30, अब 10:20 मैं बोर्ड कर रहा हूं हमारी ये वाली नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन। सोचिए कितने कितने टाइम पुरानी, 108 साल पुरानी ये ट्रेन। बस थोड़ी देर में सफ़र शुरू होने जा रहा है मेरे लिए फिज़िकली, और आपके लिए वर्चुअली। दोस्त मज़ा आने वाला है, अब तक 4 टॉय ट्रेन की, अब आपके लिए एक और नया रूट। अगर आप एक चीज़ और देखेंगे, ये देखिए, ये है बिलीमोरा का मेन स्टेशन, वहीं से ऊपर आप ब्रिज देख लीजिए, आपको ब्रिज क्रॉस करना है और आप यहाँ पर जो ये नैरो गेज वाली ट्रेन है आप यहाँ पहुँच जाएंगे। और मैं तो आपसे ये कहूँगा कि भैया पहले ही बुकिंग कर लीजिए, बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन द सीज़न, अब यहाँ हल्की हल्की बारिश भी है, मानसून है, वेदर अच्छा है। टाइम देख लीजिए 10:25 और सफ़रनामा बिलीमोरा जंक्शन से हमारा शुरू होने जा रहा है। गार्ड ने हरी झंडी दे दी है, लोगों ने हॉर्न भी दे दिया है, ये देखिए। और जैसा दोस्त मैं आपसे कहता हूँ, आपके लिए ढेर सारा एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट नहीं, आपके लिए ढेर सारा इंफोटेनमेंट। ये है हमारा पहला स्टॉप, ये देखिए ये स्टेशन है गंदेवी, आप स्टॉप देख लीजिए, ये देख लीजिए। और ये जाना जाता है चीकू के लिए। पॉपुलेशन बता दूँ अराउंड 16,000 पॉपुलेशन है यहाँ की, और लिटरेसी रेट इट इज़ 77%। अगर आप देखोगे कैमरा पे थोड़ा सा फॉग है, प्लीज़ मैनेज करना। बट आप स्टेशन देखिए, ये देख लो ये स्टेशन देखो भाई, यहाँ कुछ अलग ही चल रहा है। एक तरफ है सूरत, एक तरफ है अहमदाबाद और एक तरफ है गंदेवी जैसे स्टेशन। बस थोड़ी देर 2 या 3 मिनट यहाँ पर रुकेगी ट्रेन, और मानसून की वजह से भाई यहाँ का जो वेदर है ना, मैं आया हूँ बिल्कुल राइट टाइम। आप जितना ये वर्चुअली एंजॉय कर पा रहे हो, रियल में आप ये कीजिए, रियल में तो भाई अलग ही है।
और देखिए इस वाले रूट की जैसे मैंने आपको बताया शुरुआत हुई थी 1913 में, और यहाँ का सिस्टम देखिए अब यहाँ पर है क्रॉसिंग, तो यहाँ पर एक बंदे हैं वो उतरे हैं, अब वो गेट बंद करेंगे, फिर ट्रेन क्रॉस होगी, ट्रेन आगे जाके फिर रुकेगी और फिर वो गेट ओपन करेंगे और वापस चढ़ेंगे। इसकी वजह से क्या होता है जो मैंने ऑनलाइन पढ़ा था, इसकी वजह से ट्रेन काफ़ी लेट हो जाती है, वो थोड़ा बिकॉज क्या आगे की तरफ है, वो शायद ऑन कैमरा तो आपको नहीं दिखा पाऊँगा, बट देखिए वो एक जन गए हैं, अब वो क्रॉसिंग ट्रैफिक को रोक रहे हैं। अच्छा तो ट्रैफिक नहीं रुकेगा, हमारी ट्रेन यहाँ पर खड़ी रहेगी। बताइए ये चीज़ आज भी फॉलो की जा रही है, सोचिए। और इस तरफ देखो नज़ारे देखिए भाई, और अभी तो महज शुरुआत है। अभी देखिए यहाँ पर हमारी ट्रेन वापस रुक गई क्रॉसिंग से, वो है देखिए अब वो ट्रैफिक ओपन कर रहे हैं, देखिए वो क्रॉसिंग ओपन कर रहे हैं, वो ओपन करेंगे ट्रैफिक वहाँ पर वापस यहाँ पर कंटिन्यू होगा। हमारी ट्रेन आप देखोगे तो हमारी ट्रेन यहाँ पर देखिए क्रॉसिंग के बाद रुकी हुई है, वो जो है वो यहाँ पर ट्रेन बोर्ड करेंगे वापस और फिर यहाँ से हमारी ट्रेन कंटिन्यू होगी। देखिए हॉर्न बज गया, एक मिनट रुकना दोस्त, ये है चिकली रोड भाई, यहाँ की बारिश, एक मिनट रुकना, मज़ा आ गया यार यहाँ पर, हार्डली सिर्फ 2-3 मिनट का स्टॉप। यस ये देख लीजिए, ये रहा इस साइड, देख लीजिए ये रहा आपके लिए स्टेशन। मॉनसून में तो भाई आप कहोगे कितना बोलेगा, बट दोस्त मज़ा आ गया, यहाँ पर ट्राइबल लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए, ये जगह बहुत फेमस है और शॉपिंग, एंड थैंक्स टू इंडियन रेलवेज इतनी पुरानी हिस्टोरिक रूट को, हेरिटेज ट्रेन को रन करना। आप ये स्टेशन यहाँ देख लीजिए, थोड़ा कैमरा DSLR संभालना दोस्त। गुजरात का वेदर राइट ना आपको मैं क्या बताऊँ, और ऐसे मौसम में जब ऐसी बारिश हो रही है, विस्टाडोम कोच है, टूरिस्ट कोच है, आपको मिल जाए एक होममेड चाय। तो जो मेरे साथ एक गुजराती फैमिली ट्रैवल कर रही है, उन्होंने मुझे गरम गरम चाय दी है, प्लस उसके साथ ये नाश्ता दिया है, यहाँ पर कांदा पाव और सब्ज़ी, एंड दिस इज़ होममेड। भाई यही तो है इंडिया, आपसे मैं दोस्त इतना ही कह सकता हूँ, सिर्फ हल्की सी बारिश कम हो जाए ना, हल्की सी बारिश कम, तो क्या व्लॉग में ज़्यादा अच्छे से बना पाऊँगा, बिकॉज यार मेरे को ऐसा आइडिया नहीं था, और मैं अम्ब्रेला भी कैरी नहीं कर रहा हूँ। बट अगर आपने अब तक ये टूर एक्सप्लोर नहीं किया, नेक्स्ट टाइम यू आर कमिंग टू गुजरात, ये टूर एक्सप्लोर ज़रूर कीजिएगा। देखिए मैं यहाँ बैठा हूँ और आपको दिखाऊँ सामने का नज़ारा, ये देखिए सामने का ज़रा नज़ारा देखिए, सोचिए अब आपको ऐसे व्यू के साथ चाय मिल रही है और प्लस नाश्ता मिल रहा है, तो रिमेंबर अपना फूड ज़रूर कैरी कीजिएगा। हाँ और ये है इंडियन रेलवेज़ का एक और स्टेशन, हम पहुँचे हुए हैं रानकुआ, इसका भी स्टेशन कोड है, सोचिए स्टेशन कोड है RW, और ये जाना जाता है, यहाँ पे आपको बता दूँ यहाँ पर रॉक्स की माइनिंग वगैरह होती है। आपको एक बार पूरा ज़रा स्टेशन और दिखा दूँ, बारिश हल्की थोड़ी सी हल्की हुई है, अब ये देखिए ये यहाँ पर आप पूरा स्टेशन, मैंने ऑलरेडी टॉय ट्रेन इतनी जर्नी की हैं, ब्रॉड गॉज भी की हैं भाई, ये कहना पड़ेगा दिस इज़ #। इंक्रेडिबल गुजरात आप कह सकते हो। और आपको दिखाने के लिए एक चीज़ और, बिकॉज देखिए लास्ट में जो टूरिस्ट कोच है, जो मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ पीछे वाला, वो सिर्फ आपको वहाँ मिलेगा, अगर आप जनरल में बैठ जाओगे तो आप भी समझ सकते हो लास्ट वाला जो व्यू है वो आप मिस कर दोगे। तो इस स्टेशन से अगले स्टेशन तक अब मैं जा रहा हूँ जनरल डिब्बे में, ज़रा मेरे को ये भी एक्सपीरियंस करना, थोड़ी देर ट्रेन रुकेगी, पानी पानी सब, ये देख लीजिए ये है स्टेशन।
अब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, दिस इज़ नॉन एसी जो अनरिजर्व्ड कोच है। आप ये देख सकते हो सीट भी उतनी कंफर्टेबल नहीं है एज़ कम्पेयर टू टूरिस्ट कोच। यहाँ पर एसी नहीं है और वॉशरूम नहीं है। नो चॉइस इज़ कम्प्लीटली योर्स, जैसे भी आप ट्रैवल करना चाहें। बट आई एम श्योर जब वेदर, देखिए वेदर बाहर का जब इतना अच्छा है तो आपको टूरिस्ट कोच की भी ज़रूरत नहीं। बट अगर आपको विस्टा डूम वाला लास्ट वाला व्यू चाहिए तो आपको वो टूरिस्ट कोच ही बुक करना पड़ेगा। राइट नाउ ट्रेन थोड़ी बहुत फुल जा रही है, बट जर्नी में मैं तो आपसे दोस्त इतना ही कह सकता हूँ, जर्नी में आ रहा है मज़ा। मैं आ चुका हूँ वापस अपने एसी टूरिस्ट कोच में, ये देख लीजिएगा। और यहाँ पर बारिश एक बार फिर से शुरू हो गई है। हमारा नेक्स्ट स्टेशन धौलीकुआ। मैं यहाँ नीचे उतरने वाला नहीं हूँ, और स्टेशन आपको दिखा दूँ, ये देखिए चल रहा है दोस्त बड़ी। एक और स्टेशन, ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर्स की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंचे हैं, 09501 पहुंची है अनावल। और यहां पर आप देख सकते हैं एक शिव जी का टेंपल। आपको सच बताऊं, अगर आप मुंबई से ये वीडियो देख रहे हो ना, देन दिस इज़ वन डे ट्रिप फॉर यू, टू बी वेरी फ्रैंक, बिकॉज आई एम मुंबई कर। मैं आपसे इतना कह सकता हूँ, लोनावला वगैरह मत जाइए, सुबह ट्रेन बुक कीजिए और ये वाली 3 घंटे की जर्नी कीजिए, वापस आइए और वापस मुंबई जाइए। मैं यही करने वाला हूँ। सो दिस इज़ बेस्ट वन डे ट्रिप आई गेस। यहाँ 5 मिनट ट्रेन यहाँ रुकने वाली है, थोड़े लोग और बोर्ड करेंगे। देख लीजिए पूरा स्टेशन। और अब मैं आपको बता दूँ, अब हम आ चुके हैं गुजरात के सूरत डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ आप देख सकते हो 69 विलेजेस। अब आपके लिए एक होमवर्क, ज़रा कमेंट करके ये बताइए कि गुजरात में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं। थोड़ा क्या है, कपड़े गीले हो गए हैं, बस मैं ये नहीं चाहता दोस्त फीवर आए, सो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैं टावल कैरी कर रहा हूँ, तो बार बार मैं सिर वगैरह सब पहुँच रहा हूँ। चलते हैं जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारी जर्नी का थर्ड लास्ट स्टॉप आप ये देख लीजिए, ये है काला अम्बा। और यहाँ पर पता है, जो मैंने ऑनलाइन पढ़ा है, यहाँ की पॉपुलेशन है अराउंड 600 पीपल, और कितने हाउसेस काला अम्बा गाँव में है, अराउंड 120 हाउसेस। आप सोचिए, मैं तो सोच रहा हूँ 108 साल पुरानी ट्रेन है, उस समय ट्रैक्स कैसे बिछाए गए होंगे, इक्विपमेंट्स वगैरह वगैरह कैसे डिज़ाइन किया गया होगा। सच में ये सोचने वाली बात है दोस्तों। बस सिग्नल हो चुका है, आई मीन हॉर्न हो चुका है, नाउ वी आर एक बार फिर से रेडी टू गो। आई गेस इस जर्नी में वन वे में डीजल लोको है, तो आई गेस 100 लीटर्स कुछ शायद यूज़ किया जा रहा है। हमारी जर्नी का सेकंड लास्ट स्टॉप डूंगरदा। डूंगर मतलब हिल्स, माउंटेन्स आप कह लीजिए। और जो आपने रिवर देखी, दैट वाज रिवर अंबिका।
और ये है आप ये मैं तो कह रहा हूँ ना, आप ये स्टेशन देखिए। और मैं तो आपसे भाई यही कहूँगा, इनकेस अगर आपने जब तक ये रूट एक्सप्लोर नहीं किया है, अगर कोई गुजरात में आपका है उसके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। बिकॉज देखिए रेलवेज़ अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, एसी टूरिस्ट कोच भी लगा दिया जिसकी कॉस्ट है 560 रुपीज़। अब नाउ दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रमोट टूरिज्म। जाते वक्त 6 बुकिंग्स हैं उस कोच में और आते वक्त हैं सिर्फ 2 बुकिंग्स, तो भाई वी हैव टू शेयर। तो मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, जितना हो सके इस कंटेंट को शेयर कीजिए। हो गया हॉर्न, हो गया चलिए चलिए। फाइनली डेस्टिनेशन वह गई। पहले आप ये टाइम देख लीजिए, दिस इज़ ऑलमोस्ट 2 o'clock, ऑफिशियल टाइम है 1:20 का। थोड़ी लेट आई है बट कोई बात नहीं, आपसे इतना ही कहूँगा 65 किलोमीटर्स की जर्नी करने के बाद दोस्त आ गया मज़ा। अब आपको 2-3 चीज़ें बता दूँ, यहाँ से सेम ये वाली ट्रेन लेके 2:30 की मैं जा रहा हूँ बिलीमोरा, फिर वहाँ से मेरी शाम को है 6:05 की 09020, वहाँ से मैं पहुँचूँगा बोरीवली रात को लगभग 9:30 बजे के आसपास। ये है हमारे साथ टीटी दादा, थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। अब ये वापस हमारे साथ चलेंगे टिल बिलीमोरा, ठीक है। उम्मीद है आपको मज़ा आएगा, यहाँ पे होटल्स वगैरह हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के होटल्स हैं अगर आप वो ट्राई करना चाहें। बाकी सब मैंने डिटेल्स आपको दे दी, और कुछ रह गया प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में बाकी सब डिटेल्स देख लीजिएगा या कमेंट कर लीजिएगा। बस इसी तरह हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आपके सामने अब बैक टू बैक ट्रेन जर्नीज, ट्रेन व्लॉग्स, टॉय ट्रेन्स के व्लॉग्स भी आते रहेंगे। दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज। अब यहाँ से वापस 2:30 स्टार्ट करेंगे और पहुँचेंगे बिलीमोरा शाम को 5:30 बजे। उम्मीद है दोस्त ऑन टाइम पहुँच जाएँ, अदरवाइज 09020 मिस हो जाएगी। ठीक है, मिलता हूँ। पता है क्या हो रहा है, स्टेशन्स के बीच बारिश हो जाती है बंद, और जैसे ही ट्रेन स्टेशन पहुंचने वाली होती है बारिश हो जाती है तेज़। यार मेरे साथ ऐसा ही तीसरी बार हो रहा है। तो ये है हमारा नेक्स्ट स्टेशन, आप देख लीजिए, दिस इज़ केवड़ी रोड पर हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बस आई गेस यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर की जर्नी अभी और बची है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको स्टेशन दिखाऊँ, बट नहीं दोस्त, थोड़ा मैनेज कीजिएगा। And I guess I have come at the right time, but because of the vlogging, because of the camera, थोड़ा बहुत issue हो रहा है।